अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया था, उसके बाद व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, उनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों के पास यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक को बताया गया है कि ये एक ड्राइंग है पिक्चर्स की ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि हेल्प करती है हमें चीज़ों को विजुलाइज करने में बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम लोग पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कौन से बेसिक एक्शंस हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये प्रोग्रामिंग कवर करती है। तो ये इन्वॉल्व करती है कंप्यूटेशंस को, क्रिएशन को और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को। और दूसरे अल्फाज में हम इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ नाउन एज रेंडरिंग। ठीक है, रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज़ करके तो डिफरेंट इमेजेस को ड्रॉ करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ बेसिक, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है, वो कैथोड रे ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो हमारी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, तो जो वीडियो मॉनिटर है उसका बेसिक एलिमेंट जो है, जो उस वीडियो जो वीडियो डाटा होता है उसको स्क्रीन पर लेके आता है, वो कैथोड रे ट्यूब्स हैं, जिन्हें CRTs भी बोला जाता है। CRT के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गन जो है ये इमिट करती है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहलाते हैं कैथोड रेज। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक बीम पासिस थ्रू फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम्स दैट डायरेक्ट इट टूवर्ड्स स्पेसिफाइड पोजिशन ऑन द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। ठीक है, अब ये जितने वर्ड्स यहाँ पे, ये जितनी ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ठीक है, ये आपने जब बेसिक फिजिक्स का इंट्रो आपको दिया जाता है उसमें भी आपको समझाया जाता है। तो ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये जो हमारे कैथोड रे ट्यूब्स या CRT की यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है, हम यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेन द बीम हिट्स द स्क्रीन द फॉस्फोरस इमिट्स अ स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट ऑन ईच पोजिशन कॉन्टेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फास्फोरस अक्सर जब आपकी स्क्रीन वगैरह टूटती है या LED टूटती है तो उसके पीछे आपको नज़र आएगा कि स्क्रीन कोटेड होती है एक सिल्वर कलर के मटेरियल से, तो वो एक्चुअली फास्फोरस होता है। और फास्फोरस वो मटेरियल होता है जिस पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो उसको लाइट एक स्पेसिफिक पोजिशन पर पड़ती है तो वहाँ से वो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में जब उसे एनर्जी मिलती है ना फास्फोरस को, तो वो लाइट को इमिट करता है। और इट रीड्रॉज द पिक्चर बाय डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम स्क्रीन पॉइंट्स क्विकली। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास यहाँ पीछे मॉनिटर के जो कनेक्टर पिन्स लगी होती हैं, ठीक है, ये उसकी बेस होती है जो उसे आगे कनेक्ट कर रही होती है। अच्छा, इस बेस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक गन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो है उनको इमिट करती है। ठीक है, और यहाँ से अब इसको फोकस कैसे किया जाता है, ठीक है, यहाँ से ये होता है डिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए, डिफ्लेक्शन का अलग से हमारे पास एक्स और वाई डिफ्लेक्शन जो है वो लगा होता है। ये स्क्रीन का बेस है, ठीक है, फ्रंट नज़र आ रहा है आपको, इस पर फॉस्फोरस लगा हुआ है। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक गन से जो इलेक्ट्रॉनिक बीम आती है उसको कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज के जरिए उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करके फोकस किया जाता है, और फिर डिफ्लेक्शन सिस्टम से उसे एक खास स्पेसिफिक पॉइंट पे थ्रो कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो स्पेसिफिक फास्फोरस पोजीशन पर पहुंचती है, वहाँ से एक लाइट इमिट होती है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइट है ना, ये एक इमेज को फॉर्म करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, देयर आर टू वेज, रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, ठीक है, बाय विच वी कैन डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन।
अच्छा रास्टर स्केन क्या होता है? इन अ रास्टर स्केन सिस्टम द इलेक्ट्रॉनिक बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि थ्रू लाइंस चलता है, जैसे ये आपको स्केन लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट पे जब जाता है फिर दोबारा राइट की तरफ, तो इस तरह से ये चलते 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 जब आता है तो जब स्क्रीन एंड होती है ये अगेन ऊपर चला जाता है, अपनी पोजिशन ले लेता है। तो ये रीट्रेसिंग के जरिए लाइंस को स्कैन करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो हैं वो पड़ती जाती हैं, वैसे वैसे वो जो होता है आपके पास वहाँ वहाँ से फॉस्फोरस जो है वो एमिट होता जाता है, और इस तरह से जो बीम का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, बीम इंटेंसिटी का, कभी वो ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, तो वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड स्पॉट का, जिनकी वजह से फिर एक पिक्चर बनती है। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड रिफ्रेश बफर, ठीक है। अब यहाँ से जो डाटा आता है, ठीक, उसको रिफ्रेश बफर में या फ्रेम बफर के अंदर डाल दिया जाता है। दिस मेमोरी एरिया होल्ड द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। स्टोर्ड इंटेंसिटी वैल्यूज आर देन रिट्रीव्ड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर एंड पेंटेड ऑन द स्क्रीन वन रो स्केन लाइन एट अ टाइम एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरह से इसको प्रिंट कर दिया जाता है, और ईच स्क्रीन पॉइंट इज रेफर्ड टू एज अ पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट और पेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ से क्या होता है कि आपका इसका वर्किंग मेथड क्या है, कि ये स्कैन करेगा लाइंस को, और मैंने डायरेक्शन भी बता दिया आपको कि किस तरह से करता है। अच्छा स्कैनिंग के लिए अब इसको ऑलरेडी कोई डाटा चाहिए होगा ना, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते तो पहले डॉक्यूमेंट होगा तो वो स्कैन होगा, तो हमें इस तरह पिक्चर का डाटा जो है वो इनपुट में आता है, और वो जो डाटा है वो रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर में रख दिया जाता है, उसके बाद ये स्कैन लाइन स्टार्ट हो जाती है, और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल रीट्रेसिंग के अंदर काम करती हैं, और इस तरह से आप लोगों का पूरे का पूरा जो स्केल लाइंस हैं वो एक इल्यूमिनेटेड पिक्चर जो है उसको ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो जो पॉइंट्स जो इल्यूमिनेट होते जाते हैं उनको हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल मीन्स पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, PIXEL, ठीक, ये क्या कहलाता है, पिक्चर एलिमेंट और पेल। एट द एंड ऑफ ईच स्केल लाइन द इलेक्ट्रॉनिक बीम रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन टू बिगन डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट स्केल लाइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एरो हेड लगा के उन्होंने बताया हुआ है कि इसका मेथड क्या है, तो इट्स बेटर कि आप अंडरस्टैंड करें इसको ग्राफिकली, ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजिली आपको समझ आ जाता है। अच्छा ये तो हमारा था कि रास्टर स्केन में इस तरह से काम होता है कि वहाँ पे आपको डाटा जो है वो एक जो है वो मेमोरी जो यूनिट है उसके अंदर रखना होता है, लाइक जैसे रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर के अंदर, और वहाँ से फिर आप उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसके जरिए काम करते हैं। रैंडम स्केन या वेक्टर स्केन इसे क्या कहा जाता है? इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द पिक्चर इज टू बी ड्रॉन रादर देन स्केनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एज इन रास्टर स्केन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। अब आप लोगों को कितना मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने MCQs के लिए हाथ से याद करना है। तो रैंडम स्केन, वेक्टर स्केन जो है, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज द सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स इन अ एरिया ऑफ मेमोरी रेफर टू एज रिफ्रेश डिस्प्ले लाइफ। अच्छा अब इसके अंदर जो मेमोरी एरिया था उसको रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर बोलते हैं, यहाँ पे जो मेमोरी एरिया है उसको रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल बोलते हैं, ठीक है। टू डिस्प्ले अ स्पेसिफाइड पिक्चर द सिस्टम साइकल्स थ्रू द सेट ऑफ कमांड इन द डिस्प्ले फाइल ड्राइंग ईच कंपोनेंट लाइन इन टर्न। आफ्टर ऑल द लाइन ड्राइंग कमांड्स आर प्रोसेस्ड द सिस्टम साइकल्स बैक टू द फर्स्ट कमांड इन द लिस्ट, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है जी, डाटा जो है वो रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है,
और सिस्टम साइकिल्स के थ्रू जो है वो ड्राइंग की जाती है। और जैसे ही आपका कोई एक स्पेसिफिक जो कमांड जो आपकी ड्राइंग की लाइंस की होती है वो पूरी हो जाती है, तो दोबारा फाइल में जाता है, डाटा को उठाता है, और इस तरह से पूरा एक पिक्चर कंप्लीट करने के बाद वो उसका होल्ड दोबारा से डिस्प्ले फाइल वाले एरिया को दे दिया जाता है। ठीक है, तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले आर डिजाइन टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट लाइंस ऑफ अ पिक्चर 30 to 60 टाइम्स ईच सेकेंड। ठीक, तो ये इतनी स्पीडली जो है वो आपको आउटपुट दे रहा होता है। तो यहाँ पे आके हमारे जो बेसिक एक इंट्रो था ना कि हमारे पास जो स्क्रीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके अंदर ग्राफिक्स के लिए हमें टेक्निकली कौन सी कंपोनेंट जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं और कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफिक्स को, डायग्राम्स को, ठीक है, और उनको मैनिपुलेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने आज देखी कि कैथोड रे ट्यूब जो है उसका टेक्निकली जो है इलस्ट्रेशन कैसे है और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो फास्फोरस तक जाती है, और फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है इसके लिए कौन से दो मेथड हैं ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, रास्टर स्कैन है, रैंडम स्कैन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।